हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। वीडियो में बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी कि TTM और शेयर के बारे में। आज के दिन शेयर में आपको मामूली सी तेजी यानी कि 70 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात करते हैं प्रीवियस क्लोजिंग की तो वो 105 रुपये 50 पैसे थी और आज ये जो शेयर है 106 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग देकर गया है। और आज के पूरे दिन में आपको काफ़ी डाउन ट्रेंड देखने को मिला, साथ के साथ बीच बीच में आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिला। तो क्या यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हो चुके हैं, ऑपरेटरों ने अपना ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया है? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम इस शेयर की सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल की बात करें तो 100 रुपीज़ का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। 100 से नीचे अगर गिरावट होती है तो ये गिरावट काफ़ी तेजी से और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शेयर 100 या उसके आसपास पहुँचता है तो एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर हाई का बनने लग जाता है। तो क्या ऐसे में हमें यहाँ पर निवेश करना चाहिए, या फिर जितने भी लोगों ने निवेश किया है क्या यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर अभी भी बने रहना चाहिए? क्या अभी भी शेयर में पोटेंशियल है? क्योंकि जिस तरह के Q1 के नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं है। जैसा हमें पहले रिजल्ट देखने को मिलता था, ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट हमें इस बार भी देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं TTML के पास्ट हिस्ट्री के बारे में, तो आप सभी को पता है कि पिछले साल यानी कि साल 2021 में ये शेयर काफ़ी अच्छा मल्टीवैगर शेयर साबित हुआ और अभी भी ये शेयर 1 साल में 169% का रिटर्न दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज से 1 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस मात्र 39.40 पैसे था और अभी आप देख सकते हैं 106 रुपये 20 पैसे। और इन सबके बीच में ये शेयर 250 रुपये के लेवल के भी पार जाता हुआ हमें नजर आया। तो इस बीच बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी होगा, काफ़ी सारे लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि ये शेयर आगे चल के हमें एक बेहतर रिजल्ट रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, TTML का शेयर कभी भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ये शेयर आगे की तरफ मूव कर सकता है, अप ट्रेंड में आ सकता है। क्योंकि जिस तरह की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है वो बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि 1 साल में लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट बने रहने के बावजूद 50% की गिरावट होना स्वाभाविक था, जो कि हो चुकी है। और अब ये शेयर 100 रुपीज़ के लेवल पर न्यूट्रली जो है मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लेवल के बाद अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई अच्छी खबर आती है, तो ये शेयर काफ़ी अच्छे खासे टारगेट्स आपको दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के दिन NSE और BSE की बात की जाए तो NSE पर आपको आज के दिन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। बाय क्वांटिटी 4,36,000 और सेल क्वांटिटी 9,03,000 हुई। इन सब के बीच में जो डिलीवरीएबल क्वांटिटी है वो अप्रोक्सीमेट 44.71% की हुई है। टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 11,46,328 शेयर वो डिलीवरीएबल क्वांटिटी में हमें जाते हुए नजर आए हैं इस प्राइस पर भी। तो आप लोगों के पास भी अगर समय है, पेशेंस है, तो आप लोग यहाँ पर धैर्य बना के रखिए अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है। और रही बात फ्रेश पोजीशन बनाने की, तो अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से शेयर जब 100 रुपीज़ के लेवल तक आए तो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। वहीं अगर बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, जो कि हमें देखने को मिले थे अभी 2 दिन पहले, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। उससे पहले वाले क्वार्टर में 273 करोड़, उससे पहले 284, मतलब पिछले 3 क्वार्टरों से सेल लगातार कम हो रही है। और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी कंपनी लॉस में थी लेकिन जिस तरह का पॉजिटिव फिगर यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा था, संभावना थी कि ये कंपनी अपने लॉस को रिकवर करते हुए एक पॉजिटिव फिगर लेकर आ सकती है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी भी कंपनी 295 करोड़ का नेगेटिव लॉस दिखा रही है 1st क्वार्टर में। तो उम्मीदें नहीं है कि आगे चल के ये बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इसको काफ़ी समय लग सकता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो P&L लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो है अपना जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो धीरे धीरे खत्म कर रही है। अगर आप देखेंगे कि साल 2021 में 1997 करोड़ का नेट लॉस था, जो कि घटकर मार्च 2022 में 1215 करोड़, और इस साल अगर अज्यूम किया जाए तो ये घटकर 1000 करोड़ तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, TTML शेयर बेस्ट शेयर है, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल डर बना रहेगा कि कब ये शेयर ड्राम से नीचे गिर सकता है या फिर इसके बाद अप ट्रेंड लग सकता है। तो 100 रुपीज़ के लेवल के आसपास यानी कि 102-103 रुपये के लेवल पर आप खरीदारी कीजिए और पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, इन्वेस्टर बनिए, तो ही आप एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमाकर निकल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो TTML शेयर के बारे में। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।